अवामी नेशनल पार्टी ने 3 मई को APC बुलाने का ऐलान कर दिया। तर्जमान जाहिद खान का कहना है कि इजलास के लिए PTI को भी दावत दी जाएगी। आपको बताएं कि अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर दिया गया है। क्यों सर? शुक्रिया जी। आज हमने आपको पता कि इससे पहले एक फैसला हमारी पार्टी ने किया था कि हम ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे इस्लामाबाद में 3 मई को सुबह 10 बजे। और उसके लिए क्योंकि ईद आए, इससे पहले बहुत सारे पार्टी से हम मिल चुके हैं, सबको इन्विटेशन दिया है, उसमें मौलाना फजलान साहब भी है, MPM भी है और बलूचिस्तान की पार्टीज है। आज अभी हमारी कमेटी का चेयरमैन है इफ्तिखार हुसैन, वो भी आ रहे हैं और आज से हम शुरू करें जो बकाया 5 पार्टियाँ रह गई है उसमें हमारे तहरीक इंसाफ है, जमात इस्लामी है, मुस्लिम लीग नून है और पीपल पार्टी है और कार लीग है। तो ये पार्टी रहती है, इसको इंशाल्लाह आज हम कोशिश करेंगे कि इनको सबको इन्विटेशन हम दे देंगे। और हमारा जो एजेंडा है वो तो इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है, सब इस मुल्क की इस वक्त जो अमन अमान का मसला है वो सबसे अहम है, वो टॉप पे है, सबसे अहम वो मसला है। दूसरा मैशियत है, तीसरा जो सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट की लड़ाई है और तीसरा ये मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है। इस पर सारी पोलिटिकल पार्टीज को हमने मशवरत के बुलाया है और बैठ के हम कोशिश करते हैं कि कोई ऐसे लाइमन तैयार हो ताकि इस वक्त जो मुल्क जिस मुश्किल में घिरा हुआ है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, अदर की सिचुएशन जितना ख़राब है, रोज़ आपको पता है कि हमारे सूबे में ताज़ी किलिंग जो हो रही है, बम भी ब्लास्ट हो रहे हैं, तो इस पर हम 3 मई को सुबह 10 बजे वहाँ पर मीटिंग है मेरठ होटल में। तो सारी पोलिटिकल पार्टी उम्मीद रखते कि आएंगे और हर एक अपना अपना राय देंगे और जो राय पर मुतफिक होगा वो फिर हम प्रेस के सामने रखेंगे। हमारी कोशिश है कि कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए ताकि मुल्क इस वक्त जो बहरान में फंसा हुआ है, जो गौर में फंसा है, इसको इससे निकाल सके। थैंक यू।